हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज होने वाली है इस हफ्ते की मंडे नाइट रो, और इस वीडियो में लेकर आए हैं इस शो का फुल रिव्यू। तो इस शो का पहला मैच होने वाला है एक नंबर वन कंटेंडर मैच फॉर द रो में चैंपियनशिप, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस द रोल मॉडल बेली। ये दोनों सुपरस्टार पिछले हफ्ते ट्रिपल थ्रेट मैच जीती थी, और अब इस हफ्ते हमें इन दोनों के बीच सिंगल्स मैच देखने मिल रहा है। बात करें इस मैच के विनर की, तो बेली तो ऑलरेडी ही कई बार चैलेंज कर चुकी है बियांका बेलेयर को रॉ में चैंपियनशिप के लिए, तो मेरे हिसाब से इस बार एलेक्सा ब्लिस को मौका मिलने वाला है। और वैसे भी हमें इस मैच में द बिग टाइम बैक्स बेकी लिंच की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनकी राइवलरी फिलहाल बेली से चल रही है, और वही बेली को ये मैच कोस्ट करा सकती है। और फिर इसके बाद हमें शो पर नजर आने वाले हैं द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी। लास्ट वीक उनका एक सिंगल्स मैच हो रहा था मुस्तफ़ा अली से चैंपियनशिप के लिए, लेकिन उस मैच में डॉल्फ ज़िगलर ने इंटरफेरेंस कर दी, और फिर उसके बाद थ्योरी ने दोनों पर अटैक किया। तो इस हफ्ते हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, ऑस्टिन थ्योरी वर्सेज डॉल्फ ज़िगलर वर्सेज मुस्तफ़ा अली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और फिर इसके बाद इस शो की हाईलाइट होने वाली है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द मॉडर्न डे रेसलिंग गॉड बैरन कॉर्बिन एंड JBL। मेरे हिसाब से अब बैरन कॉर्बिन की राइवलरी चलने वाली है जॉनी गार्गानो से, और फिर हमें इन दोनों के बीच एक सिंगल्स मैच भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। और फिर इसके बाद हमें इस शो पर द ब्लड लाइन दोबारा देखने को मिल सकती है, और इस वीक हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है द प्राइस फाइटर केविन ओवेंस वर्सेस द ब्लड लाइन इन्फोर्सर सोलो सिकोवा। फिर अगला मैच जो इस शो के लिए कन्फर्म हो चुका है, वो होने वाला है वुमेंस डिवीजन से सिंगल्स मैच, वन हाफ ऑफ द WWE वुमेंस टैग टीम चैंपियंस इयो स्काई वर्सेस कैंडिस लेरे, और मेरे हिसाब से कैंडिस लेरे इस मैच को जीतने वाली है। और फिर इसके बाद हमें इस शो पर पता लगने वाला है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द जजमेंट डे। मेरे हिसाब से यहाँ पर जजमेंट डे के मेंबर्स रॉयल रंबल मैच के लिए अपनी एंट्रीज कन्फर्म करते हुए नजर आएंगे, और दूसरी तरफ ओसी की टीम के मेंबर्स भी अपनी एंट्रीज कन्फर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। और फिर इसके बाद होने वाला है पॉसिबल इस शो का मेन इवेंट नंबर वन कंटेंडर मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। ये मैच होने वाला है फॉर्मर चैंपियंस के बीच सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस द ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली। इस मैच में हमें द बीस्ट ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं, और उनकी इंटरफेरेंस की वजह से ही बॉबी लेस्ली इस मैच को हार जाएंगे। और अगर ब्रॉक इस मैच में नहीं आते हैं तो बॉबी लेस्ली इस मैच को जीतने वाले हैं, और फिर वो चैलेंज करेंगे ऑस्टिन थ्योरी को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉय द वीडियो। Please like the video and don't forget to subscribe our channel for more videos. So see you guys in the next video.